हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो है आपके लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि आज से हम शुरू करने वाले हैं 45 दिनों का, अंतिम 45 दिनों का महासंग्राम। और इसमें किस तरीके से हम तैयारी करने वाले हैं इस 45 दिनों में, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। आज मैं थोड़ा सा ओवरव्यू और दे देता हूँ इस क्लास का, क्या रहेगा आगे का 45 दिनों का सीन। तो 45 दिनों में मैं आपको हर एक टॉपिक को, जो जीएस है, उत्तराखंड है और हिंदी है, इन तीनों सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण टॉपिक को उठाऊंगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, और हर एक टॉपिक को कराने की कोशिश करूंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे। जैसे आज मेरा जो पहला टॉपिक है वो है भारतीय राजव्यवस्था, यानी कि इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी से आपके एग्जाम में कितने टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उनको मैंने पाँच क्लास में कंप्लीट कराने की कोशिश कर रखी है। तो 5 से 6 क्लास होंगी जो आपकी इंडियन पॉलिटी की क्लास होंगी। इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण टॉपिक देखने को मिलेंगे इंडियन पॉलिटी के, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम इस क्लास को शुरुआत करते हैं, और आप अच्छी तरीके से बिल्कुल नोट डाउन कर लें, अपने नोट्स कॉपी बना लें, क्योंकि यहाँ से आपके लिए महत्वपूर्ण हर एक लाइन है, हर एक वर्ड जो मैं बोलूँगा वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो भी मैं बोलूँगा वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, और आने की इनकी संभावना ज़्यादा बनती है। तो कम दिनों में अच्छे से तैयारी हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उसी के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ 45 दिनों का ये महासंग्राम। तो आई होप आपको ये जो सीरीज़ है वो पसंद आएगी, और कमेंट आप करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब आप कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, जिससे कि और भी लोग यहाँ से जुड़ सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं आज की क्लास। तो भारतीय राजव्यवस्था में हम सीधे चलते हैं भारतीय संविधान में। संविधान में अब देखो, जब संविधान की बात आती है तो भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है और सबसे विस्तृत संविधान है। ये अमेरिका की तरह ना कठोर है ना इंग्लैंड की तरह लचीला है, बल्कि ये दोनों का मिलाजुला रूप है, यानी कि ये मिश्रित रूप है, लचीला है संविधान हमारे भारत का। तो इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार होगी और मूल कर्तव्य होगी, हमारी संसदीय व्यवस्था होगी, नागरिकता हो गई, ये सारी चीज़ें यहाँ की क्या हैं, मौलिक हमारे संविधान की विशेषताएं हैं, उनको हम आगे आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं, भारत का जो संविधान है उसको बनने के लिए जो संविधान सभा गठित की गई थी उसके बारे में हम जिक्र करते हैं, क्योंकि जब संविधान बनता है तो उसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो 1946 में नवंबर 1946 में अंग्रेज़ों के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक मिशन यहाँ पर लाया गया था, जिसको हम बोलते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान सभा का जो है गठन वो किया गया था, और इस मिशन के जो 3 सदस्य थे वो आपसे पूछ लिया जाता है। यहाँ से आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहला तो है पथिक लॉरेंस, और दूसरा है स्टेफोर्ड क्रिप्स, और तीसरा है अलेक्जेंडर। मैंने आपको याद करने के लिए सिर्फ एक एक ही नाम लिखा है, बड़ा नाम उनका नहीं लिखा है, तो आप इसको यहां से याद कर सकते हैं, पथिक लॉरेंस, क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये 3 व्यक्ति हैं जो कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। इसके बाद हम बात करें जो संविधान सभा है उसका गठन कर दिया गया इस कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर, संविधान सभा का गठन। और ये जो संविधान सभा का गठन हुआ उसकी पहली बैठक आपसे यहां से पूछ लिया जाता है, पहली बैठक, इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी यहाँ पर आपका 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी, और ये कहाँ पर हुई थी, दिल्ली में हुई थी, दिल्ली के पुस्तकालय भवन में इसकी पहली बैठक हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अब इस दिन जब इसकी बैठक हुई थी तो इसके कोई अध्यक्ष भी रहे होंगे, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो पहली बैठक है इसमें एक अध्यक्ष थे,
और वो अध्यक्ष कैसे थे? अस्थाई अध्यक्ष थे, अस्थाई अध्यक्ष थे, उनको यहाँ पर चुना गया और उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। ये मात्र दो दिन इस अध्यक्ष पद पर रहे, उसके बाद दो दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा। इतनी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर से अभी तक ध्यान में रखनी है। फिर दो दिन बाद आते हैं, दो दिन बाद मतलब 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है, इस संविधान सभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, एक प्रस्ताव पारित किया जाता है और उस प्रस्ताव को बोलते हैं उद्देशिका, उद्देशिका या फिर प्रस्तावना। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसको यहाँ पर पारित किया जाता है, और ये प्रस्तावना को पारित करने वाले व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू, पंडित नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्तावना को यहाँ पर भारतीय संविधान सभा में पारित किया गया। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान सभा में किसके द्वारा लाया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को इसको संविधान सभा में लाया गया था। ये चीज़ आपको यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। अब ये अगर हम बात करें इस प्रस्तावना की, इस प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से ली गई है प्रस्तावना, इसका स्रोत आपसे पूछ लिया जाता है, प्रस्तावना स्रोत, तो USA अमेरिका से इस प्रस्तावना को लिया गया है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। दूसरी चीज़ ये पूछ ली जाती है कि इस प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है, तो प्रस्तावना की शुरुआत, इसकी जो शुरुआत है वो हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, इस वाक्य से यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है। अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है इसको अगर हम जानें, जैसे आप कोई बुक पढ़ते हैं, किताब आपने पढ़ी होगी कोई भी, तो किताब का जो पहला पेज होता है वो होती है उसकी प्रस्तावना, जिसमें उस किताब के बारे में पूरी डिटेल लिखी रहती है कि इस पुस्तक में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन सी क्या चीज़ें पढ़नी है, इस पुस्तक की क्या विशेषता है, वो सारी चीज़ें उस प्रस्तावना में लिखी रहती है। तो ये जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये भारत के संविधान को डिफाइन करती है कि भारतीय संविधान किस प्रकार का है और भारतीय संविधान की क्या विशेषताएँ हैं। यहाँ से क्वेश्चन वैसे बनने को तो मतलब प्रस्तावना अगर हम देखें तो बहुत सारा डिटेल में इसको जा सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा कि इसके जो तीन प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, फिर बाद में प्रस्तावना में क्या किया गया, संशोधन किया गया 42वां संविधान संशोधन, में इसको संविधान संशोधन किया गया। देखो संशोधन का मतलब क्या होता है, समय के अनुसार परिस्थिति के अनुसार जब हम किसी चीज़ में सुधार करते हैं उसी को हम संशोधन कहते हैं। तो भारतीय संविधान की एक विशेषता है संविधान संशोधन की, तो संविधान संशोधन ये कहता है कि अगर समय के अनुसार अगर आवश्यकता पड़े तो भारतीय संविधान जो कि मूल संविधान है उसमें कोई चीज़ें लिखी गई हैं तो उसमें आने वाले समय में संशोधन किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है। तो प्रस्तावना में संविधान संशोधन 42वां किया गया था 1976 में, और इसमें तीन शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारत की संविधान प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए, तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। जो ये प्रस्तावना है इसी को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, ये जो प्रस्तावना है इसको संविधान की कुंजी कहा जाता है। ये आपसे पूछ लिया जाता है संविधान की कुंजी,
इसी को कहते हैं संविधान की कुंजी। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है, प्रस्तावना को, मूल अधिकार को, मूल कर्तव्य को, नीति निर्देशक तत्व को, इस टाइप के ऑप्शन आपके पास दे दिए जाएंगे तो आप ऑप्शन में टिक करेंगे प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। इतनी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर से अभी तक ध्यान में रखनी है। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ और उसके बाद हम आगे को शुरू करते हैं, ठीक है भाई। इतनी चीज़ें आपको आई होप समझ में आ गई होगी। और देखो आज मैं जो भी आपको चीज़ें पढ़ाऊंगा हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट रहेगी और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे, अभी तक बनते आए हैं और आने वाले समय में भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो इसलिए इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा इनको ध्यान में रखेंगे। हम पढ़ रहे थे संविधान सभा की बात कर रहे थे और संविधान सभा में हमने देखा प्रस्तावना, और प्रस्तावना के बाद हम देखते हैं जो ये प्रस्तावना है 22 जनवरी 1947 को इसको प्रस्तावना को स्वीकृति दे दी गई, प्रस्तावना को स्वीकृति प्राप्त। देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रस्तावना को संविधान सभा में पारित किया, उसके बाद 22 जनवरी 1947 को इसको संविधान सभा के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो प्रस्तावना है इसको संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकृति प्राप्त की गई थी। अब ये जो संविधान सभा है यहाँ पर की एक समिति है, वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, प्रारूप समिति से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो प्रारूप समिति का मतलब होता है मसौदा तैयार करना, जो हमारा संविधान है उसके लिए मसौदा तैयार करना उसी को हम बोलते हैं, उसका जो काम करेगा वो करेगा प्रारूप समिति। इसके जो मसौदा तैयार करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम मसौदा तैयार किया, मसौदा तैयार किसने किया, B.N. राव। तो मसौदा तैयार करने वाले व्यक्ति थे हमारे संविधान सभा के, वो थे B.N. राव। और अगर हम बात करें इनके अध्यक्ष की तो ये थे B.R. अंबेडकर। डॉक्टर B.R. अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा प्रारूप समिति से आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि इसके जो सदस्य थे वो कितने थे, 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे, ये आपको ध्यान में रखना है। 1947 में इसको समिति का गठन किया गया था। इसके बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है और ये जो संविधान है वो इसको बनने में तैयार, संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। उसके बाद जो अंतिम बैठक है, वो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है संविधान सभा की, अंतिम बैठक होती है। और इस बैठक में कुछ चीज़ें डिसाइड की गई, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रीय गीत है, अंतिम बैठक में कुछ डिसीजन लेंगे जैसे कि राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है और राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए यहाँ पर। इतनी चीज़ें यहाँ पर से ध्यान में रखनी कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो कि राजेंद्र प्रसाद थे उनको कब निर्वाचित किया गया, 24 जनवरी 1950 को। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज इसको कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947। ये आपसे यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं आप, क्योंकि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत ये तो 24 जनवरी 1950 को जब अंतिम बैठक थी उस दिन अपनाया गया, लेकिन जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। इतनी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। अब हम देखते हैं कुछ और चीज़ें।
आप इस चीज़ को नोट डाउन करते रहें और अच्छे तरीके से नोट्स कॉपी बना लें, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप क्या कर सकें, रिवीजन कर सकें। ठीक है भाई। अब ये जो संविधान है, संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को पारित किया गया। संविधान पारित, यानी कि अब हमारा संविधान बन के तैयार हो चुका है और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में इस चीज़ को पारित कर दिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 26 नवंबर 1949 का संविधान कब पारित किया गया, और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब फिर क्या होता है, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू। अब दोनों में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो 26 नवंबर 1949 है उस दिन तो संविधान सभा में इसको पारित किया गया, संविधान बन के तैयार हो चुका था, लेकिन इसको लागू कब से किया गया, ये किया गया 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान लागू कर दिया गया, और जब इसको लागू किया गया उसको बोलते हैं मूल संविधान। मूल संविधान, अब जहाँ पर भी मैं कभी मूल संविधान की बात करूँगा उसका मतलब ये होगा कि जिस समय हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उस समय भारतीय संविधान में क्या-क्या प्रावधान थे, उसी को हम बोलते हैं मूल संविधान। इस समय भारतीय मूल संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 365 अनुच्छेद थे। 365 क्या थे, अनुच्छेद थे। ये क्या चीज़ है भाई, किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये भाग, अनुसूची, अनुच्छेद। देखो, अगर आपने 10th पास किया होगा तो उससे पहले आप गणित पढ़ते होंगे, और गणित में आपने देखा होगा कि आपके जो प्रश्न पाठ होते हैं, पाठ एक, उसमें प्रश्नावली होती, प्रश्नावली, प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 इस प्रकार से होते थे। उन्हीं में फिर क्वेश्चन होते थे, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, इस प्रकार से। तो इससे हमको अंदाज़ा ये लगता है कि पहले पाठ की पहली प्रश्नावली का पहला प्रश्न है। इसी प्रकार जो भारतीय संविधान है उसको 22 भागों में बांट दिया गया, यानी कि 22 पाठ में बांट दिया गया, जैसे कि आप अपने बुक में बांटते हैं, और 8 अनुसूचियों में इसको विभाजित किया गया, और इस प्रकार कुल 365 अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किए गए। इन्हीं अनुच्छेदों के अंतर्गत भारतीय संविधान की जो जितनी भी बातें हैं उनको लिखा गया। अब ये जो 8 अनुसूची हैं ये तो मूल संविधान में लिखी गई, लेकिन अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची है, यानी कि जो 4 अनुसूची है वो बाद में ऐड की गई, इनको क्या किया गया, बाद में ऐड किया गया। ये आपको इतना ध्यान में रखना है यहाँ से। अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे की ओर, अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे की ओर। हमारा संविधान सभा जो है वो पूरा हो चुका है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं आज वो महत्वपूर्ण टॉपिक कर रहे हैं, और महत्वपूर्ण टॉपिक से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनको हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब भारतीय संविधान की जो विशेषता है, संविधान की विशेषता उसको हम देखते हैं। देखो भाई, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, और इसकी विशेषता भी विश्व के सभी संविधान से अलग है, और इसी कारण भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है। अब ये जो भारतीय संविधान की विशेषता है, इसकी एक विशेषता है मूल अधिकार की। मूल अधिकार, अब हम अपने मूल अधिकारों में आ जाते हैं। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, अब हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट। देखो, यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, मूल अधिकार का। और जैसे ही कोई व्यक्ति का जन्म होता है, जब वो बच्चा होता है, जैसे ही उस पृथ्वी पर आता है, धरती पर वो जन्म लेता है, तो उसको कुछ अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं मूल अधिकार,
यानी कि ये जो अधिकार हैं इसको देने के लिए किसी सभी किसी हमको न्यायालय नहीं जाना पड़ता। ये संविधान के द्वारा हमको बचपन से ही मूल जो जन्म होता है उस समय से ही प्राप्त होते हैं, इनको हम कहते हैं मूल अधिकार। तो मूल अधिकार देखो भाई, ये भारत सबसे पहले तो ये कहाँ से लिए गए हैं, इनके स्रोत आपसे पूछ लिया जाता है कि मूल अधिकार का स्रोत कहाँ से लिया गया है। तो ये अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिए गए हैं, पहली चीज़। अब ये जो भारतीय संविधान है उसमें कहाँ पर लिखा गया है मूल अधिकारों को, भारतीय संविधान में कहाँ पर रखा गया है? मैंने अभी कहा कि भाग हैं हमारे, भाग टोटल 22 भाग हैं, 22 भागों में से तीसरा भाग मूल अधिकार का है। और अनुच्छेद, अगर हम अनुच्छेद की बात करेंगे तो 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक मूल अधिकारों को रखा गया है, ये भारतीय संविधान में प्रावधान है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जो भारतीय जो मूल अधिकार हैं इनको भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है, अधिकार पत्र, या फिर भारत का मैग्ना कार्टा। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है या फिर भारत का अधिकार पत्र, ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, तो प्रस्तावना, इस प्रकार चार ऑप्शन आपको बना दिए जाएंगे। तो आप जो आंसर करेंगे मूल अधिकारों को भारत का अधिकार पत्र या फिर भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि ये भारतीयों को अधिकार प्राप्त करता है इसलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मूल अधिकारों को या फिर भाग तीन को, आप ये भी कह सकते हैं कि भाग तीन को भारत का अधिकार पत्र या फिर मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान के द्वारा 6 मूल अधिकार यहां पर दिए गए हैं। पहला अधिकार है समानता का अधिकार। ये जो समानता का अधिकार है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के लिए 14 से 18 अनुच्छेद, इसके लिए अनुच्छेद कहाँ पर है, 14 से 18 अनुच्छेद में समानता के अधिकार को रखा गया है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, इसको 19 से लेके 22 तक अनुच्छेद, 19 से लेके 22 अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार को रखा गया है। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में इसको रखा गया है अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार को रखा गया है। फिर चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 25 से लेके 28 अनुच्छेद में इसको रखा गया है। फिर पांचवा अधिकार आता है आपका संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ये जो है 29 और अनुच्छेद 30 में इसको रखा गया है, शामिल किया गया है। छठा अधिकार है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको अनुच्छेद 32 में रखा गया है। ये अभी वर्तमान की कंडीशन है, ये 6 अधिकार हैं, समानता का अधिकार 14 से 18। कभी कभी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो समानता का अधिकार है वो भारतीय संविधान में कहाँ पर प्रावधान किया गया है, किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, तो आप बोलेंगे 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति शिक्षा का अधिकार 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अब यहाँ पर आप देखेंगे 29-30, 31वां अनुच्छेद यहाँ पर गैप हो गया, 31वां अनुच्छेद यहाँ पर नहीं है जो कि मूल अधिकार में है, हमारे मूल अधिकारों में। लेकिन एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब भारत का मूल संविधान, मैंने अभी मूल संविधान क्या होता है वो आपको बताया, जो मूल संविधान है उसमें 6 अधिकार न होकर 7 अधिकार थे। हमारे मूल संविधान में कितने अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे, और ये जो 7वां मूल अधिकार है उसको बोलते हैं हम संपत्ति का अधिकार।
संपत्ति का अधिकार। और ये जो संपत्ति का अधिकार था ये अनुच्छेद 31 में था। अनुच्छेद 31 में भारत का जो सातवां अधिकार है संपत्ति का अधिकार, इसको शामिल किया गया था। लेकिन बाद में विवादों के चलते उस विवाद पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत डिटेल में हो जाएगा, और इसको फिर मूल अधिकारों से हटा दिया गया। इसको एक कानूनी अधिकार प्राप्त कर दिया गया, कानूनी अधिकार। इसको क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार दे दिया गया। और भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत इसको कानूनी अधिकार की मान्यता प्राप्त कर दी गई। और ये जो कानूनी अधिकार इसको दिया गया, ये कब दिया गया, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ, 1978 में। यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बन जाता है, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा कब दिया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार वो भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 12 में, और अनुच्छेद 301। पहले मूल संविधान में ये कहाँ पर था, तो अनुच्छेद 31 में ये मूल अधिकार था। यहाँ से इतने क्वेश्चन आपके बनते हैं जो कि आपको यहाँ पर से ध्यान में रखने हैं। ठीक है भाई, ये आपको यहाँ पर से इतनी चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखनी है। अब देखो, 14 से लेके 32 तक बहुत सारे अनुच्छेद हैं, 14 से लेके 32 तक अनुच्छेद हैं। हर एक अनुच्छेद को हमको नहीं पढ़ना है, आपके एग्जाम के लिए कौन सा अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है, अब मैं उस अनुच्छेद को बताने की कोशिश करता हूँ। महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं जो कि मूल अधिकारों से आपके अनुच्छेद हैं। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं हम, जो कि मूल अधिकारों से आपके अनुच्छेद हैं बनते हैं, और क्वेश्चन हमेशा यहाँ से पूछे जाते हैं, तो उनको अब हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो कि समानता का अधिकार कहता है, 14 से लेकर 18 तक, उस समानता के अधिकार में अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का अंत कर दिया गया। इसका क्या कर दिया गया, अंत। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है आपके एग्जामों में, UKSSC के द्वारा, UKPSC के द्वारा, कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो अनुच्छेद 17 के तहत इसका समाप्ति कर दी गई है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 19 का ए में क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो 19 ए के तहत आपको प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। वाक अभिव्यक्ति बोलने की स्वतंत्रता, ये सब 19 ए में दी गई है, क्योंकि प्रेस प्रेस क्या है, प्रेस मतलब समाचार, समाचार में भी क्या है, बोलते हैं ना, यानी कि कोई भी कुछ भी बोल सकता है समाचार में, कोई भी मुद्दा उठा सकता है सरकार के विरुद्ध या किसी भी के विरुद्ध, तो क्या है वहाँ पर बोलने की स्वतंत्रता है प्रेस को, तो इसीलिए प्रेस की स्वतंत्रता को 19 ए में रखा गया है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी आपसे बहुत बार पूछा गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो यह है अनुच्छेद 21। अब अनुच्छेद 21 का क, ये भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो कि मूल अधिकारों में बाद में जोड़ा गया 21 क। और ये जो 21 क है इसमें क्या है, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, जो ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है ना, वो 21 क के तहत आपको दी जाती है। बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान के अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद 21 क। अब ये कब जोड़ा गया, ये जोड़ा गया भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन, छियासीवां संविधान संशोधन
2002 के तहत इसको भारत के संविधान के 21 क में ऐड कर दिया गया था। तो ये है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अब एक अनुच्छेद और आता है, अनुच्छेद है 24। अनुच्छेद 24 है, ये क्या कहता है, 14 वर्ष से कम के बच्चों को कारखानों में काम निषेध। यानी कि ये वाला जो अनुच्छेद है वो ये कहता है कि 14 वर्ष से जो कम छोटे बच्चे हैं उनको कारखानों में काम नहीं कराया जाएगा। अगर कोई काम कराता है तो ये उस व्यक्ति के, उस बच्चे के मूल अधिकारों के विरुद्ध होगा। तो ये बात जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 24 में रखा गया है। इतनी चीज़ें हैं जो कि अभी आप यहाँ तक आपको ध्यान में रख। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 32 की, अनुच्छेद 32 जिसको हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। यह अभी हमने देख लिया था। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, अनुच्छेद संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और संविधान की आत्मा इसको किसने कहा था, वो कहा था डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा इसको संविधान की आत्मा कहा गया था। अब देखो भाई, ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसको क्यों कहा जाता है संविधान की आत्मा, क्योंकि जितने भी आपके अधिकार हैं उनके विरुद्ध अगर आप उनके खिलाफ अगर आपके अधिकारों का हनन की हो रहा है तो आप अपने अधिकारों के लिए, अधिकारों की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, रिट जायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं अपने अधिकारों के हनन के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, रिट जायर करेगी, यानी कि याचिका जायर करेगी। तो ये पांच प्रकार की रिट जारी करती है, और ये पांच प्रकार की रिट आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परम आदेश, परमादेश। तीसरा है उत्प्रेषण, और चौथा है प्रतिषेध लेख, और पांचवा है अधिकार प्रच्छालेख, अधिकार प्रच्छालेख। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है उसको अगर हम देखें तो अब देखो यहाँ से इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है, और डेफिनेशन आपके क्वेश्चन में दे दी जाएगी। ऑप्शन में इन चारों में से कोई चार को, इन पांचों में से कोई चार को रख दिया जाएगा, और ये बोल दिया जाएगा कि ये डेफिनेशन किसकी है। जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, जैसे इसमें तीन व्यक्ति होते हैं, तीन लोग होते हैं। एक तो होता है बंदी जिसको गिरफ्तार किया गया होता है, और एक होता है इसको गिरफ्तार करने वाला कोई अधिकारी होगा, एक अधिकारी होगा। इसको इस अधिकारी ने इसको बंदी बना लिया है गैर कानूनी तरीके से, जबकि इसका कोई दोष नहीं है। इसलिए ये बंदी जो है, बंदी बनाया गया व्यक्ति कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट इस अधिकारी से कहेगी कि भाई इसको जो तुमने बंदी बना रखा है इसका कारण क्या है, इसको सशरीर यानी कि शरीर के साथ न्यायालय में हाजिर करो। ये कौन कहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट कहेगी इस अधिकारी से, किसके लिए, ये बंदी के लिए। इसीलिए इसका नाम हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। परम आदेश, परम आदेश को अगर हम देखें, अगर कोई अधिकारी है, सरकारी कर्मचारी है या कोई भी कर्मचारी है, अधिकारी है, वो अपने पद पर अपने कर्तव्य जो भी उसके काम हैं उन काम को वो अच्छी तरीके से नहीं कर रहा है, उनका कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट उस अधिकारी को ये आदेश देती है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन है वो सही ढंग से करें, अन्यथा आपको हटा दिया जाएगा या फिर आपका जो पद है वो समाप्त कर दिया जाएगा, निलंबन आपको कर दिया जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करती है। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण में देखो सुप्रीम कोर्ट एक होती है उच्च न्यायालय, उच्च
और एक होती है निम्न न्यायालय। निम्न न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय में क्या क्या हो गए, जो हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, और निम्न न्यायालय में उसके जो अधीन काम कर रहे हैं, ठीक है, वो जो छोटे छोटे न्यायालय हैं, जिला न्यायालय हो गया, लोक अदालतें होगी, तो ये हो गया। उत्प्रेषण में सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करती है कि जो ये निम्न न्यायालय हैं इनमें अगर कोई वाद विवाद चल रहा है और उनमें क्या हो रहा है, विलंब हो रहा है, तो उस वाद विवाद को, उस विलंब को वो क्या कर सकती है, अपने उच्चतम न्यायालय में ट्रांसफ़र कर सकती है उस कानून को, ठीक है, उस केस को वो उच्च न्यायालय में ट्रांसफ़र कर सकती है। अभी प्रतिषेध लेख, प्रतिषेध लेख ये क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है प्रतिषेध लेख, ये कहता है कि जो उच्च न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय अपने निम्न न्यायालयों से ये कहेगा कि आप अपना काम करना बंद कर दो, क्योंकि आप जो हैं अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहे हैं। अगर कोई निम्न न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रही है, तो उसके उच्च न्यायालय जो है वो ये जारी कर सकती है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहे हैं, इसलिए आप कार्यवाही को वहीं पर रोक दें। फिर आता है आपका अधिकार प्रचालक। अधिकार प्रचालक, जैसे कोई अधिकारी है, जैसे कोई अधिकारी है वो गैर कानूनी तरीके से किसी पद पर बन आ गया है, अपने किसी पद पर वो काम कर रहा है किसी गैर कानूनी तरीके से, तो सुप्रीम कोर्ट एक रिट जाहिर करेगी अधिकार प्रचालक, उसके तहत वो कहेगी कि आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हैं, हमें कारण बताइए। अगर वो कारण सही उनको नहीं लगता है, तो तब तक, जब तक वो सही कारण नहीं बताता है, तब तक वो उस पद पर नहीं बैठ सकता। ये है अधिकार प्रचालक। आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, मैंने डेफिनेशन बिल्कुल उस तरीके से नहीं बता रखी, बट हाँ, एक आपको समझ विकसित करने के लिए जिस प्रकार आप उसको समझ सकते हैं, अगर आपके एग्जाम में इस टाइप से कुछ आएगा तो आप उसको कर ले जाएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना। हमारा मूल अधिकार है वो कंप्लीट हो गया है, अब हम देखते हैं कुछ और चीज़ें जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए खास रहने वाली हैं, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे, जिनको बोलते हैं हम नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, अब देखो भाई, नीति निर्देशक तत्व इसका जो स्रोत है वो कहाँ से लिया गया। सर्वप्रथम तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि इसका स्रोत कहाँ से है, तो ये है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है, पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़, भारत के जो संविधान है उसमें कहाँ पर प्रावधान है, तो भाग चार में। देखो मूल अधिकार कहाँ पर थे, भाग तीन में, और ये नीति निर्देशक तत्व हैं ये हैं आपके भाग चार में। अनुच्छेद, अगर हम सिर्फ अनुच्छेद पूछेगा तो ये हो गया 35 तक, तो आपके मूल अधिकार हो गए 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया है। अब ये नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य ये है कि जो सरकार है, जैसे कि कोई गवर्नमेंट चुनकर आती है, जैसे कि अभी बीजेपी रूलिंग पार्टी है, तो इस पार्टी का एक कर्तव्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है कि लोग, जो गरीब लोग हैं, जो हमारे देश में गरीब लोग हैं, उनको सरकारी योजनाओं का फायदा हो। तो इसीलिए आप देखते होंगे मिड डे मील हो गया, या फिर अनाज दिया जाता है फ्री में, या फिर कोई सब्सिडी दी जाती है, गैस सिलेंडर आपको फ्री में दिए जाते हैं, कोई भी गरीब जैसे अस्पताल हो गया, आयुष्मान भारत कार्ड आपको बना के दिया जाता है। तो ये वेलफेयर काम है सरकार के द्वारा, गरीब जनता के लिए कोई काम अगर किए जाते हैं, वो काम करने के लिए कौन कहता है, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं कि आप कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए कुछ ना कुछ काम करो। तो ये काम क्या क्या हो सकते हैं उनको हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनुच्छेद से। अनुच्छेद से पूछा जाता है, तो अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों का गठन। देखो भाई, कल्याणकारी कार्य करने के लिए ग्राम पंचायत होंगी, ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होगी और प्रधान लोग होंगे, तो ग्राम पंचायतें जो हैं वो क्या करती हैं, एक जोड़ती है, कनेक्ट करती है गांव के कोने कोने को। तो इसीलिए ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की स्थापना, ये कहाँ पर लिखा गया है, अनुच्छेद 40 में लिखा गया है। फिर आता है अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 आता है जो कहता है समान नागरिक संहिता, समान
नागरिक संहिता, ये भी आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, समान नागरिक संहिता 44 अनुच्छेद में लिखा गया है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथक्करण, ये दो हैं जो आपस में एक दूसरे से अलग रहेंगी, यानी कि एक दूसरे के काम में बाधा नहीं लाएंगी, ये है कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गया, और कार्यपालिका जो कि हमारी सरकार की जो कार्यपालिका होती है। अनुच्छेद 50 हो गया, उसके बाद अनुच्छेद 39 है यहाँ पर, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 क्या कहता है, धन का समान वितरण, धन का समान वितरण होना चाहिए, कोई भी सार्वजनिक धन है उसका क्या होना चाहिए, समान वितरण होना चाहिए, सभी को समान प्रकार से पहुंचना चाहिए। जैसे कि कोई वेलफेयर स्कीम अगर आप आती है, जैसे कि 2000 रुपये जो है, 6000 रुपये किसानों के खाते में डाल दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, तो हर किसी को दिए जाएंगे, ऐसा नहीं कि किसी को 6000, किसी को 5000, किसी को 4000, ऐसा नहीं किया जाएगा, यानी कि धन का समान वितरण वहाँ पर किया जाएगा। फिर अगर आप देखेंगे इसमें एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, वैसे अगर अनुच्छेद 36 से 51 में इनको शामिल किया गया है, लेकिन दो अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि 36 से 51 के बीच में नहीं है, 350 और 351, दो अनुच्छेद ऐसे हैं जिनको यहाँ पर शामिल किया गया है नीति निर्देशक तत्वों में। अनुच्छेद 350 क्या कहता है, ये कहता है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, जो प्राथमिक स्तर है, प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी एजुकेशन है, वहाँ पर जो शिक्षा दी जाएगी वो मातृभाषा में दी जाएगी। अनुच्छेद 351 क्या कहता है, वो कहता है हिंदी को प्रोत्साहन, हिंदी को प्रोत्साहन देने की बात करता है, जो हमारी हिंदी भाषा है इसको प्रोत्साहन दिया जाएगा, केंद्र इसको प्रोत्साहित करेगा, ऐसी बात यहाँ पर 351 में लिखी गई है। ये है नीति निर्देशक तत्व, इतनी चीज़ें हैं आपको यहाँ पर से याद करनी है, ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन बने हैं, आने वाले समय में भी बनेंगे। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ, उसके बाद एक लास्ट टॉपिक आज का हम करते हैं, फिर हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, और जो लास्ट टॉपिक है आपका वो है मूल कर्तव्य। वो क्या है, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य। देखो भाई, फंडामेंटल ड्यूटी, अब इसका जो स्रोत है ये 1976 में, 1976 में एक समिति बनी थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये जो हमारा मूल संविधान है ना, उसमें मौलिक कर्तव्यों की चर्चा नहीं की गई है, इसको बाद में ऐड किया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 1976 में एक समिति बैठी थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसने सिफारिश की थी मौलिक कर्तव्यों के लिए, इसलिए यहाँ पर 1976 में एक संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन, जिसको हम बोलते हैं 42वां, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन हुआ। उस संशोधन के तहत मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में ऐड कर दिया गया, और ये कहाँ पर ऐड किया गया है, ये किया गया है भाग 4 का क। अभी हमने 4 पढ़ा था, उसमें नीति निर्देशक तत्व थे, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि 4 का क, 4 का क याद करना है आपको, 4 का क, भाग 4 क में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है, अनुच्छेद 51 क में इनको शामिल किया गया है, कहाँ पर, 51 क में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 11 मूल कर्तव्य की चर्चा की गई है, 11 मूल कर्तव्य की चर्चा की गई है, और ये पहले 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 11वां मूल कर्तव्य जो 11वां है ये बाद में जोड़ा गया, और ये कब जोड़ा गया, ये 2002 में जोड़ा गया,
और 2002 में कैसे जोड़ा गया, एक संविधान संशोधन किया गया, एक संविधान संशोधन किया गया, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया, उसमें इसको जोड़ा गया, और क्या जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, अब ये देखो अभी हमने 21 क में भी इसको देखा था और अब हम देख रहे हैं कि इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत मूल कर्तव्य में भी शामिल किया गया है। तो ये शिक्षा का अधिकार है जो कि हमारा मूल कर्तव्य भी है और मौलिक अधिकार भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखी हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि 42वां संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, अनुच्छेद 51(4)(क), और यहाँ पर ये जो 86वां संविधान संशोधन है ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से सारे टॉपिक जो हैं अभी तक हमने किए हैं वहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके अभी तक बने हैं और आने वाले समय में भी बनेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि इंडियन पॉलिटी के हैं वो लेके आऊँगा और निश्चित ही आपके एग्जाम तक एक अच्छी तैयारी में कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं आप अपने ग्रुप में जहाँ पर भी आपकी रीच है, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, वहाँ पर आप इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।